हेलो गाइस, मेरा नाम विशाल है और आप मुझे देख रहे हैं बीएन ब्लॉग्स में। आज सेकंड ब्लॉग है भाई। जो ब्लॉग है वो बनने जा रहा है मांडा जू के लिए, ठीक है। आज घूमने मांडा जू जा रहे हैं जो कि जम्मू में पड़ता है। बहुत ही अच्छी प्लेस है, काफ़ी सारे जानवर हैं वहाँ पर और कोई बहुत ही अच्छी पार्क भी है। तो देखने में देखा जाए तो वो भी एक किस्म का पिकनिक स्पॉट है। पिछली बारी जब मैंने वीडियो बनाई थी तो वीडियो में देखा था आपने कि मैं जजर कोटली गया था, बट लेकिन इतनी वीडियो बन नहीं पाई, थोड़े रिस्ट्रिक्शन की वजह से नहीं बना पाया। लेकिन आज जो वीडियो बनने जा रही है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको हर जगह दिखाऊं। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए तब तक। वीडियो शुरू करने से पहले अभी मैं रेडी हो रहा हूं, ठीक है। लेकिन रेडी होने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। एक बार देख लीजिए इस चीज़ को। कतई जहर मौसम है आज भाई। मौसम भी बहुत अच्छा बना हुआ है। डर एक ही चीज़ का है कि बारिश ना हो जाए रास्ते में, तो फिर काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बारिश में तो वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगा मैं। तो होप कि बारिश पड़े ना, तो देखते हैं। गाइस हम हो चुके हैं अब रेडी निकलने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश जो है अब रुक चुकी है, तो अब थोड़ा सा मौसम भी साफ़ ही लग रहा है, तो हम निकलने के लिए तैयार हैं। तो सबसे बड़ी बात, मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने एक वीडियो अपलोड की है मीम्स के ऊपर, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मेरे फेसबुक पे भी मेरा लिंक जो होगा वो प्रोवाइड हो जाएगा। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप वो वीडियो भी देखो और उसे लाइक करो, ठीक है। बेशक थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है वीडियो, लेकिन बट मैं चाहता हूँ कि आप उसे लाइक कीजिए, क्योंकि मैं अभी नया नया हूँ चैनल पर, तो आस्ता आस्ता मैं सीख लूँगा कि वीडियोज़ कैसे बनाई जाती है और उसे कैसे दिखाया जाता है। तो उसके लिए तो गाइस निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं हम, ठीक है। ये हमारी बसंती। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इधर देख 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 भाई। जैसे देख सकते हो कि आप मौसम जो है साफ़ हो चुका है, ठीक है। पहले सुबह बारिश पड़ रही थी, तो अभी थोड़ा मौसम साफ़ ही है। निकलने के लिए तो रेडी है हो चुके हैं हम, तो और मौसम भी काफ़ी साफ़ हो गया है, तो आगे धूप निकली हुई है। तो मैं चाहता हूँ मौसम ऐसा ही बना रहे, क्योंकि मुझे फिर वीडियो शूट करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें 15 से 20 मिनट लगेंगे उस धूप में पहुँचने में, मांडा धूप में। तो ये मौसम देखिए, अभी अभी धूप निकली हुई है, काफ़ी अच्छा मौसम बना हुआ है। कहते ही जहर, thank you।
गाइस मांडा जू पहुंच गए हम, ठीक है। बस अभी अभी पहुंचे हैं, तो आगे का मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से टिकट मिलती है सामने से, तो पहले मैं आपको पूरा ओवरऑल दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखता है बाहर से। इसका जो है वो ऐसा कुछ दिखता है यहाँ से बाहर से ना, तो आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं उसे। जम्मू वालों को तो सबको पता होगा, मैं बाहर वालों को बता रहा हूँ। मतलब ये वो पार्किंग का भी हो गया, दस रुपये पार्किंग दे भी थोड़ा। ठीक है, थैंक यू। इस साइड अंदर से आप, तो भाई यहाँ पर आप सामान भी रख सकते हो, ये जगह जो है। ठीक, 20 रुपये आपके टिकट के लगते हैं अगर आपकी बाइक होगी, ठीक है। अगर आपके पास गाड़ी होगी तो गाड़ी का मुझे पता नहीं है कि कितना लगता है, लेकिन अगर आप बाइक पे आते तो 20 रुपये आपके टिकट, सॉरी 10 रुपये आपकी बाइक का पार्किंग का, और 20 रुपये आपकी एंट्री टिकट है, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। तो इधर घूमने आए, सोने आए, उठ खड़े हैं क्या, उठ। तो भाइयों ये देख लो, ठीक है, ये पार्क है, बहुत ही प्यारी पार्क है। यहाँ पर आप आ सकते हो, बैठ सकते हो, खेल सकते हो, कूद सकते हो, जो मर्जी आपकी वो कर सकते हो। हाँ, टिकट चेक करा देता हूँ। ये रही, ठीक है, उठी इसकी नींद, बड़ी जल्दी जाएगा बाला बाला। बहुत ही अच्छी पार्क है यार, कसम से कहने के मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए चारों ओर हरियाली ही हरियाली है इस समय देखा जाए। पहले किस साइड जाएंगे, हाँ वो कहाँ पर है, ऊपर बतख वाली साइड है। बहुत ही प्यारा, मछलियां भी है इसमें। अरे भाई ये तो मैंने देखी नहीं पहले इधर। आया 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 जाओ। पहला जानवर जंगल कैट कहाँ है, वो है ना, एक है तो वो है। ये दिखेगा ही नहीं ऐसे, वो एक है तो वो है। थोड़ा बहुत ऊपर बैठा ना, आ गया। माई नेम इज गबरू, नाम गबरू। बड़ा प्यारा है यार, ये स्किन देखना इसकी। रिया गाड़ी टूट गई, एक यहां पर एक आगे भी है, आजा।
गबरू बेचारा लेट गया है, गबरू में हिम्मत ही नहीं है। एक यहाँ पर और है, ये देख सकते हो आप, ये हर कोई मेरे को लग रहा ट्रेन की होते हैं, हर कोई ऐसी चक्कर लगा रहा है, कोई ऐसे लगा रहा है, कोई ऐसे लगा रहा है। हाँ ये पूरे सेम वैसे ही चक्कर लगा रहे हैं जैसे वो बाकी लगा रहे हैं, मुझे लग रहा है मॉडलिंग पे रखे हैं इन्होंने। हाँ है ना, चाबी मारी हुई है, चल इधर उधर, चल इधर उधर। इसको देखना चाहते हैं, इसने तो इसमें घुमंड इतना है ना, ये आगे देख ही नहीं रहा है। हेलो गबरू उठाया यार इसको, इसमें घुमंड ही इतना है, ये माँ देख ही नहीं रहा हमारी तरफ। चल तेरे से बाद में मिलेंगे, ये गोरल एनिमल है। तो अभी भी इसको देख के ही डर लग रहा है क्योंकि एक बार ये मेरे पीछे लगा हुआ है। तूने ये नोटिस नहीं की एक चीज़, ये सारे एक ही चीज़ कर रहे हैं है ना, बिल्ली भी वही कर रही थी, ये भी यही वही चीज़ कर रहा है, शेर भी वही कर रहा है। बाबा जी इसका नाम क्या है, उसका गबरू, इसका क्या नाम है, छपरू। आप बैठेगा, बैठो, सिट डाउन, वेरी गुड। फिर भागा, क्यों रखा हुआ है, अकेला ही है बेचारा। ये आ गई आपकी हिरन, हाँ। एक बात बताना चाहता हूँ, इस पानी जो ये सामने पानी दिख रहा है इसमें बोलते हैं कि इसमें होते हैं टोर्टाइज, लेकिन आज तक मैंने एक भी नहीं देखा जितनी बार आया। ये पता नहीं झूठ है, लेकिन लगता तो होगा लेकिन बट दिखता नहीं है इसमें, जितनी बार मैं आया हूँ इस जगह पे। दिख रहा है कोई, गए कहाँ पे? पंगा ही करवा दिया उसको, फीड डाल के। जानवरों को खाना देने में ना प्रॉब्लम हो जाती है, तो कोई भी कुछ भी आता है, चिप्स फेंक देता है, कुरकुरे फेंक देता है, फिर वो अटैक करता है हम पे, ये गलत बात। अरे बड़ा करीब आ गया यार, क्या हाल है, ठीक हो? चल भाई बाय। अरे इसको देख लो एक बार यार, तुम तो मॉडलिंग के काम आने चाहिए यार, जैसे ये पोज लेते हैं ना यहाँ पर, पूरे ट्रेंड है, फुल ट्रेंड होते हैं जैसे। नमस्ते, पागल है क्या, आस्ता बोल, उसे पंख उतारा? नहीं यार, नहीं छेड़ना किसी भी पंछी को। बहुत प्यारा है यार, देख लो ये भी बहुत प्यारा। अरे भाई मोर, मोर नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए।
मोल, जय हो। बड़ा प्यारा लग रहा है यार, इसका रंग देखना, ये भी मोर है। कौन सा मोर है? ये मोर है, है तो मोर ही है मुझे लग रहा है। द इंडियन पी फाउल होगा कोई मोर, इसको तो देखो। इसकी चोंच से तलवार बनती है क्या? अरे बाकी ऊपर बैठे हैं, क्या हाल है भाइयों? उधर देख, मैंने देखा ही नहीं, वो ऊपर बैठे हैं। ये है इंडियन चेस्टर्ड, आगे क्या है मुझे पता नहीं, इसका पूरा नाम नहीं आ रहा। पोर्क्यूपाइन ऐसा ही है कुछ। तो ये बैठा भाई इधर, अंदर देखना यार, ये दिख नहीं रहा है लेकिन इसमें यार, इसकी इसमें दिख नहीं रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा आपको शायद ना। दिखा दिखा मुझे, ये है द रॉयल और डायडम स्नेक। हाँ ये है सांप, इसमें इसमें होपी बॉय जो ये है, ये रसल वाइपर है, बट मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी लाइट का चक्कर बन रहा है। अभी तक ये जानवर मैंने आपको दिखाए हैं, बर्ड्स भी दिखाए, ठीक है। अब आगे हम बढ़ रहे हैं, तो आगे देखते हैं कि अब आगे आगे कौन से जानवर मिलते हैं हमें, वो देखने जाते हैं। जा रहे हम, बाय बाय। यहाँ पर बतख और सारे हैं। तो भाई वो वीडियो होने जा रही है अब ख़त्म, ठीक है। वीडियो का हो गया एंड। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आएगी तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक भी कर लेना और इसको शेयर भी कर लेना वीडियो को, ठीक है। टिल देन बाय।